तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम जो छत्तीस बिरादरी के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए, हाथों में इनके आपको एक जो है बैनर नजर आएगा जिसमें जस्टिस फॉर जस्ट लिखा हुआ है। उसको न्याय दिलाने के लिए आज तमाम लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस तरह से जो तमाम लोग है यहाँ पर पहुंचे हुए। जो भी लोग इस खबर को देख के साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे, देख सकते तमाम लोग जो है यहाँ पर इस समय पहुंचे हुए। नव करनाल से आया तो 5-10 घर में दिया, जो आवाज आई तो वो किसी 5-10 उस कलाम प्रोग्राम में तो बच्चा देंगे, बाजू काट देंगे, बाल बाल पैट देंगे, उसके मुंह मराख छोड़ देंगे, रीढ़ की तोड़ देंगे। अरे इतनी दरिंदगी तो तालिबान में भी नहीं होती भाई साहब। गुप्तंग तो उसके देह भी को नहीं, सब तो बड़ी शर्म की बात आया। अरे तांत्रिक कहाँ तांत्रिक, मैं न्यू कहूँ ये तांत्रिक का बगामा में छप्पे क्यों नहीं मार दिया 10-10 तांत्रिक बैठे। अरे यार गम्मा में जोड़ से डॉक्टर बैठे हैं जोड़ा साहब, इन ना कहा जोड़ा साहब है छापा मार दिया। अरे जाकर 10,000 रुपये ले घर बैठ गया, उन्हें तो कोरोना कोल में सेवा भी करी लोगों की, उन बात छापे लागा और तांत्रिक का बात छापे को लाग दे। झाड़ू ले बैठे कोई माता की फोटो ले बैठे, कोई चंदे ले रहा, कोई का कढ़ाई दे दे, कोई का पतीला दे दे। अरे यार जो से यह है ना इनकी साइकोलॉजी इतनी तेज़ हुआ, यह बंदे ने एक कर लिया, एक करने के बाद बंदे कुछ भी कर दिया। तो सरकार क्यों नहीं तांत्रिक पर लगाम उसका सरी 2021 लग रहे हो। तो तांत्रिक पर कौन विश्वास करता था, तांत्रिक पर तो जो समाज है मंदबुद्धि के लोग भी हैं कुछ, इनके परिवार में से कौन करता था। हाँ जी भाई तांत्रिक मत और नहीं कोई भी बस सका, मैं हमने कहा तांत्रिक का बबिल गाम कसो कलाम पर मानी सारे हरियाणा में बैठे थे उसमें बैठे उन भाभी कसो। और जो 5-7 घर है ना वहाँ बच्चा तो वहीं तो दया ना उन्हें सारे ने ले उनकी इंक्वायरी करो, बच्चे का बुढ़े का बड़े का सब पूछो, पुलिस काटा ना एक मिनट में काट दिया भाई साहब। मैं ये कह रहा यू केस ये चुप बैठने वाला नहीं है, आग लगेगी आग। अब तक कोई तांत्रिक का नाम सामने तो नहीं आया, ये तांत्रिक का तो पुलिस बतावेगी ना तांत्रिक के क्या दोषी का उनका जो दोषी है। जो नाम आया है अब 6 दिन के बाद जो चौथा नाम आया है, पहले तो अब तक तो 3 ही नाम थे लेकिन आज जो ये तो जी पुलिस ने बेरा ना, पहला जब गामा बाबा था जी 10 बजे भाई नहीं पता लग गया बच्चा तो गुम हो गया, तो बच्चे का जो राजेश था ये उसके परिवार के लोग थे, कोई लोग तो था कमाल पड़ेगा जिन्होंने आयु बाबे की तरफ इशारा कर दिया भाई सीसीटीवी कैमरे में जाए बाबा ले माना देखे माना मैंने लाया भाई पा रहे तो दिखा है, वो गुमराह कर दिए लोग सब का लोगों का ध्यान पर ना बैठ गया और उन्होंने तो लोग किंगे और जाओगे और सब लाश लगेंगे और टिकाने जा दियो। ये तो शुक्र है मीडिया का सोशल मीडिया का आप लोगों का और पुलिस ने भी उस टाइम तो सच्चा साथ दिया लेकिन ये माना थोड़ा अच्छी कार्रवाई हुई, ये माना थोड़ा हम डाउटफुल है क्यों नहीं पहले वो पूरा आपके साथ डाउटफुल ये है। ये जितने बैठे हैं ना ये कोई लाले लोग नहीं है, ये सभी लोग जिम्मेदार हैं अपने गेहूँ छोड़ गए रे उन्हें तो गर्मी लागा ना। 4 आदमी मिल लो, 4 क्यों मिल लो भाई क्यों मिल लो 4 सब सामने आकर मिलो गर्मी लागा उन्हें। अरे जिसका बच्चा जा रहे हो ना बेरा भाई साहब मैं इससे ऊपर क्या कहना चाहूंगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीर में तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं न्याय की मांग के लिए पहुंचे हैं। जस्टिस फॉर जस आप देख सकते हैं, जस की तस्वीर देख सकते हैं जस को ताकि न्याय मिल सके। सब हमारी सबसे अपील जो भी अन्याय प्रशासन न्याय दो भाई मैं सभी से प्रार्थना करो सारे सोशल मीडिया पर आप अपने काम में धरना धरो पुलिस पर दबाव बनाओ और इस बच्चे को न्याय दिलाओ। जय हिंद जय शिवाजी। आरोपियों को फांसी की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं दूर दूर से लोग जो है यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप करनाल के सेक्टर 12 से देख रहे हैं जहां पर तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए, हाथों में जो है तस्वीर इनके हाथों में तस्वीर है, आंखें इनकी नम्न है क्योंकि काफी दुखे जस के हथियारे अभी तक जो है पकड़े नहीं गई हैं, जिसके चलते आज तमाम 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपको तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे। जो भी लोग इस खबर को देखें साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। जाम लगाने के लिए निकले हैं जस के हथियारों को जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जस्टिस फॉर जस की जो है मांग करते हुए नजर आने के जस को इंसाफ मिल सके। तमाम आप लोग देख सकते हैं निकले हैं एक बार फिर से तो आप देख सकते हैं
मांगने का नाम नहीं ले रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी की मांग जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में काफी गुस्सा जरूर है, शांत नहीं हो रहा है, गुस्सा जो है लोगों में शांत नहीं हो रहा है। जाम लगाने के लिए जो है यहाँ से निकले हैं तमाम जो लोग हैं, वो यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो है इंसाफ नहीं मिला है, जिसके चलते निकले हुए हैं, क्योंकि अभी तक जो है इंसाफ नहीं मिला है, रोड जाम करने के लिए निकले। तो आप देख सकते हैं डीएसपी द्वारा समझाया जा रहा है जाम करने के लिए जो है के साथ पढ़ रहे थे, मगर बार बार जो डीएसपी है उनके द्वारा समझाया जा रहा है कि हाईवे जाम मत कीजिए, जो भी कार्रवाई होगी जल्द से जल्द जो है कर ली जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कहाँ गया नेशनल हाईवे को जाम करने की बात कही जा रही है। अब दोबारा से जो है वापस जाकर परिवार नहीं आता तब तक भी वेट करेंगे परिवार के, परिवार तक मार देगी योजना के बाद जो फैसला होगा वो बाद में करेंगे। परिवार के सदस्य एसपी साहब से मिलने गए हुए हैं, अब 10 मिनट की वेट करते हैं। कहां जा रहे थे आप? तो जिट रोड जाम करने के लिए हमने जा रहे थे, लेकिन 10 मिनट परिवार के सदस्यों की वेट करते हैं। वार्ता के जरिए किया गया, हां एसपी साहब से मिलने गए हुए हैं, आश्वासन दिया गया है। हां 10 मिनट नहीं जा रहे हैं जी मिलने के लिए, 10 मिनट 4 मेंबर गए हुए हैं, तब तक वो नहीं आंदे, इतना हम वेट कर रहे, नहीं तो हम फिर हम आवे जाम करेंगे। पुलिस का नहीं, एसपी का कुत्ता खोया जाओ, कुत्ता 2 घंटे में काट का दे जाएंगे। बच्चा मेरे 4 साल का, इन्हें बिल्कुल कोई शर्म ही नहीं है इस बात की। कभी जिसके घर सबूत मिल रहे उसका घर खुला बैठ रहा, दूसरे का सील कर रहे। क्या लगता है क्यों खुलासा नहीं हुआ था? आपको क्या लगता है? अरे भाई साहब परिवार ना जन 5-10 मिनट में उसके बाद जो परिवार कहेगा गरीबान सिक्का आदमी नहीं है, ये परिवार का बच्चा नहीं, परिवार का नहीं, अब ये अपना सबका बच्चा हो। जिस किसी का भी किसी को भी सुन रहा है ना ये बात, वो जिक्र जरूर, आप 2-3 दिन तक तो पूरे शहर में इसमें सब जगह यही चर्चा थी, और जो सोशल मीडिया पर और जो चल रही थी वो सब जगह थी, तो सबके लिए है फर्क डालने वाली बात, समझे? और जल्दी कर देंगे इसको, परिवार की संतुष्टि होगी। अगर आ जाएंगे उनको जो मिलने गए हैं आप, फिर उसके बाद में आप बात रखें, ठीक है? आप तब तक, हाँ आप लोग देना तो चाहिए आप लोगों के साथ, ठीक है? डेट है ही नहीं उसके पास, ना करते हम हमें पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं करते थे, जो लोग गुस्से में सिर्फ परिवार से या अयोध्या परिवार को लगाता फंसेगा नहीं। और पुलिस अपना काम जो कर रही है, पुलिस का पूरा सहयोग परिवार और समाज के लोग कर रहे हैं, और सारे लोग समाज के साथ हैं। समाज के लोगों ने गांव कमालपुर में पंचायत करके ये फैसला किया है कि जो दोषी हैं उनकी पैरवाई करने के लिए उनका कोई रिश्तेदार गांव में कदम नहीं रखेगा, और उन दोषियों का सामाजिक और हर तरीके से बहिष्कार, गाँव निकाला उनको दे दिया गया है, लोटा नून उनका घेर दिया गया है। और पुलिस जितने ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करती है इस मामले में, हम इस बात का पुलिस की स्वागत करते हैं। पुलिस चाची को गिरफ्तार करती है, चाचा को गिरफ्तार करती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें गिरफ्तार होने चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, वो पुलिस का काम है, और हम सहयोग के लिए तैयार हैं। और अब भी ये फैसला लिया गया है, आराम से जब तक परिवार हमारे पास नहीं आता जो पुलिस से बात करने गया है, तब तक हम आराम से छांव में बैठेंगे। परिवार की सहमति से, परिवार की मौजूदगी में कोई फैसला लिया जाएगा, परिवार की को पूरा विश्वास में लेकर ही कुछ समाज के लोग, भारतीय किसान यूनियन का संयुक्त किसान मोर्चे का पूरा समर्थन पीड़ित प्रताड़ित परिवार को है। अगर परिवार ये कहेगा भी अनिश्चित काल के लिए जीटी रोड जाम करना है, तो किसान संगठनों के साथ ही सारे के सारे यहाँ जाम करने के लिए अगुवाई करेंगे।
जी बहुत बहुत क्यों की जा रही है। ये नौजवान साथी हैं, कुछ जोश में है, रोक लिया फिर जोश में है, हमने उनको समझाया बुझाया है भाई परिवार के लोग जब तक नहीं आते वो अपने सहमति नहीं देते, और जो भी कोई आगे की स्ट्रेटजी बनाई जाएगी आंदोलन के संघर्ष की जो रणनीति बनाएंगे वो परिवार की मौजूदगी में परिवार की सहमति से बनाएंगे, और हम परिवार के इस दुख के पल में परिवार के साथ पूरी सहानुभूति से तन मन धन से हम खड़े हैं।